हेलो गाइस, तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वेंचर का जो है वो कार डैश कैमरा जो हम गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं विंडशील्ड पे आगे और पीछे। तो पूरा इसका रिव्यू दूंगा कैमरे का। तो वेंचर कंपनी है उसका कैमरा है ये, जो मैंने अब्रॉड से मंगवाया था। अभी फ़िलहाल इंडिया में भी ये मिलता है, लेकिन प्रॉपर साइट कौन सी है वो अभी मेरे को इतना पक्का नहीं पता। 15,000 और 16,000 का समथिंग है इंडिया में। ये है वेंचर का कैमरा जो 4K सपोर्टेड है। यहाँ पे उसका बटन है ऑन ऑफ का, ये रियर कैमरे का है और ये उसका पावर का है। तो इस तरह का ये आता है कैमरा आगे इसका। ये 4K वीडियो तक सपोर्टेड है 60 FPS पे। और ये है आगे का फ्रंट कैमरा। इसका रियर कैमरा भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये रियर कैमरा है उसका जो पीछे विंडशील्ड पे लगता है, और इसका जो है वो देता है 1080p का। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इस तरह का इसको पावर देना है यहाँ से वेंचर के कैमरे में से। और ये उसका पूरा वायरिंग है जो आगे से लेके पीछे तक पूरा, यहाँ से उसको पावर देना है कैमरे में से रियर का, और रियर से डायरेक्ट जाएगा इसमें ये केबल थ्रू इसका पावर जो पीछे लगेगा गाड़ी में। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ये दोनों कैमरे की। अभी इसको रखता हूँ मैं साइड में। ये उसका वायरिंग है, ये एक केबल है जो उसको पावर ऑन का दे सकता है जो डायरेक्ट हमें लगाना हो। फिर एक कार सॉकेट भी उसके साथ में ही आता है, उनको अगर यहाँ से पावर देना तो उसके कार लाइटर सिगरेट लाइटर में डाल के उसको डायरेक्ट कैमरे को ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कार ऑन ऑफ करेंगे तो अपना कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहेगा। ये उसकी एक हार्डवायर किट है। हार्डवायर किट इसलिए काम आती है कि हमको जब पार्किंग में, पार्किंग मीन्स जब हम गाड़ी बंद कर देते हैं और कैमरा हमको चालू रखना है, तो इस वायर थ्रू हम वो चीज़ भी कर सकते हैं, बंद गाड़ी में भी कैमरा ऑन कर सकते हैं पार्किंग मोड में। और ये सब उसकी हार्डवायर किट बोलते हैं वो है। ये डब्बे में वो हार्डवायर किट आती है पूरी उसकी। ये कई बार साथ में भी दे देते हैं, लेकिन कई बार अलग से परचेस करनी पड़ती है। तो मैंने अलग से परचेस की थी क्योंकि मेरे को उसमें प्रोवाइड नहीं की थी बॉक्स में। और जो ये फ्रंट कैमरा है इसका, जो आगे का व्यूइंग एंगल है विंडशील्ड का वो है 170 डिग्री। तो पूरा स्क्रीन का वो 170 डिग्री आगे से कैप्चर करता है पूरा बोनेट के साथ। और जो पीछे का रियर कैमरा है वो है 160 डिग्री। तो वो भी अच्छा है 160 डिग्री। बाकी इतना डिग्री कोई और कैमरा देता नहीं है, मैक्स 140 या 150 तक होता है, बट ये 170 है और ये 160 डिग्री है जो बहुत ही बढ़िया एंगल दे रहा है। तो एक्सीडेंट के टाइम बहुत काम आता है। दूसरा 4K है इसलिए उसका नंबर प्लेट विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा है उसका, दोनों कैमरे का। नाइट विजन भी बहुत बढ़िया है इसका, क्योंकि इसमें सोनी नाइट विजन का सेंसर डाला हुआ है। तो स्टारविस का है, सोनी स्टारविस CMOS, जो बहुत ही बढ़िया सेंसर है नाइट विजन के लिए। HDR मोड भी अवेलेबल है इसमें, तो हम वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा इसमें GPS मोड भी है, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है जो GPS डाला हुआ है। तो हमारी पूरी ट्रैकिंग रहती है गाड़ी कहाँ से कहाँ कितने, पूरा उसमें स्पीड और सब कुछ दिखाते हैं, कौन सी स्पीड पे गाड़ी गई है सब कुछ उसमें होता है। इमरजेंसी लॉक भी है, जो अगर कहीं हमारा एक्सीडेंट होता है तो वो उतनी क्लिप एक्सीडेंट की होती है वो उतनी लॉक करके उसकी एक फाइल इवेंट में बना देता है। और दूसरा मेन चीज़ ये कैमरे का बहुत अच्छा है कि इसमें कोई बैटरी नहीं होती अंदर। बाकी सब कैमरे में हमने देखा है अंदर बैटरी होती है जो उसको पावर करती है और उसको चार्ज करती है, बट इसमें बैटरी नहीं आती, इसमें कैपेसिटर आता है। और जो कैपेसिटर है वो -4 डिग्री तक वो जा सकता है, इतना सहन कर सकता है, और दूसरा 158 ऊपर जा सकता है, जो इंडियन वेदर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो हीटिंग होने का भी कोई चांस नहीं है गाड़ी में। लाइक बैटरी कई बार ऐसा होता है, हमने सुना है बैटरियाँ फूल जाती है तो वो हीट होने का चांस है, बट इसमें बैटरी है ही नहीं और कैपेसिटर है, तो ऑब्वियसली हीटिंग होने का कोई चांस ही नहीं आता इसमें। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी इसमें कि कैपेसिटर बेस्ड कैमरा है। दूसरा इसमें लूप रिकॉर्डिंग भी है, तो कई बार हमको जब पार्किंग मोड में रखते हैं तो वो लूप रिकॉर्डिंग में उसको रिकॉर्ड करता रहता है। तो क्या पूरी बड़ी वीडियो ना बने और इमरजेंसी होती है उतना वीडियो वो अपने आप लॉक कर लेता है और बाकी का वीडियो डिलीट कर देता है। तो इस हिसाब से बहुत ही बढ़िया कैमरा है। इसमें वाईफाई नहीं है सिर्फ, और ब्लूटूथ नहीं है। इसमें लगता है आगे मेमोरी कार्ड, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, इसमें मेमोरी कार्ड लगता है। और इसमें मेमोरी कार्ड भी कौन से सपोर्टेड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने परचेस किया था ये सैमसंग का इवोक का, 256 GB तक इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है कैमरे का, तो मैंने ये परचेस किया होता इवो का। तो यही क्लास 10 का ही मेमोरी कार्ड लेना जो मैं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज
एक तो इसकी ट्रांसफर रेट बढ़िया रहेगी जो हम डेटा ट्रांसफर करेंगे, और दूसरा क्लास 10 लेने का मतलब ये है कि 4K रिकॉर्डिंग है कैमरा, तो उसको कार्ड को भी 4K सपोर्टेड होना चाहिए जो वो रिकॉर्ड कर सके वो उसके डिवाइस में। तो ये मैंने मेमोरी कार्ड तो कैमरे में डाल ही दिया था, और उसका एक और भी चीज़ है कि ये भी कैमरा वाईफाई वाला नहीं है तो ये ऐप थ्रू कनेक्ट नहीं होता फ़ोन में। तो इसमें सिर्फ एक दिक्कत हुई है कि ऐप इसमें कनेक्ट नहीं होती, बाकी इसके और मॉडल्स हैं वेंचर्स के जिसमें वाईफाई अब दे दिया है तो वो ऐप थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी कोई बड़ा हम ये मेमोरी कार्ड जब भी हमें लगता है कुछ इवेंट ऐसा कुछ होता है हमें वीडियो चाहिए तो हम ये मेमोरी कार्ड निकाल के मैंने एक OTG परचेस किया हुआ था, तो हम OTG थ्रू भी कर सकते हैं सीधा मोबाइल में। ये पेन ड्राइव भी है और यहाँ पीछे देखें यह OTG भी है, तो टाइप सी ही है ये। और यहाँ पर आपको दिखाऊँगा ये एक बड़ा कैमरा यहाँ जो उसका ये दिया हुआ है वो भी लग जाता है, जो कैमरे का में वो डाल के हम यहाँ से डायरेक्ट मोबाइल में ले सकते हैं, या तो फिर ये छोटा कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है जो डायरेक्ट मेमोरी कार्ड लगता है और फ़ोन में हम डालेंगे तो सीधा OTG से हम वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है अगर ये कैमरा हम यूज़ करते हैं वेंचर का, इसका मॉडल है S1 Pro। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही दिखाऊंगा, बाकी इसको मैं अपने कार में इंस्टॉल करूंगा i20 में जो मैंने ली थी, तो वो इंस्टॉलेशन का वीडियो भी मैं बाद में दिखाऊंगा कैसे मैंने इंस्टॉल किया है पूरा, और फिर ये कैमरे का रिजल्ट भी मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगा इंस्टॉल होने के बाद कि इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास, कैसा इसकी वीडियो क्वालिटी है, ये क्या नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज कर सकता है या क्या है इसका पूरा, वो मैं इसके बाद में दिखाऊंगा। ये कैमरा यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है, यहाँ से पूरा उसका वायरिंग आएगा और यहाँ से पीछे जाएगा पूरा रियर कैमरे के इस तरह। एक बार लग जाने के बाद आपको दिखाऊंगा इसका रिजल्ट कैसा है। Yeah.